हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स की और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेरियस इंडेक्सेस के बारे में। तो काफी कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे होलसेल इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में सुना होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात किया होगा। तो नंबर ऑफ इंडेक्सेस आर देयर, हम लोग आज इसको एक ही टेबल में सारा कुछ कंपेयर करते हुए देखेंगे ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी आए और एक ही जगह पर सारी चीजें हो जाए। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए, हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, दीज आर द अवेलेबल कोर्सेज विच इज प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। अगर हम लोग देखें हमारे टेबल में तो देखिए ये हमारे एक पूरा का पूरा टेबल आ जाता है जहां पर हम लोग अलग अलग पैरामीटर पे होलसेल प्राइस इंडेक्स को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज को और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इन सबको हम लोग आपस में कंपेयर करते हुए डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करें इनके मतलब के बारे में कि सबका मतलब क्या है, तो देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है। तो बेसिकली एक तरीके की मैन्युफैक्चरिंग की इंडेक्स है, कहाँ पर कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स अमाउंट टू द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एट होलसेल लेवल। तो होलसेल लेवल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ऑल दैट तो जुड़ी होती है लेकिन रिटेल के फॉर्मेट में नहीं होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिकेट्स द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एट रिटेल लेवल। तो रिटेल लेवल पर बेसिकली मार्जिन वगैरह लेने के बाद क्या कुछ प्राइस निकल के आती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करो तो देखिए अगेन ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग। इट मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो एनुअल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बेसिकली ये भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड है। बस इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है, ये वाला नया फॉर्मेट है, नए तरीके की चीजों को देखता है और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज ही हैं, केवल उन्हीं को वो देख रखता है। कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि टॉप इंडस्ट्रीज है, केवल उन्हीं को देख करके मतलब उन्हीं के बारे में ये अपना इंडेक्स निकालता है। लास्ट आती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये देखिए बहुत ही अलग टाइप की और प्राइवेट ये एक तरीके की इंडेक्स है। इट इज अ इंडेक्स ऑफ प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, दोनों के दोनों की चीजों को ले लेता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो आप बता देंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल एज एनुअल सर्वे। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अगर गुड्स के बारे में, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज के बारे में बात करें तो ये आ जाती है हमारी एक तरीके से की सेक्टर है। क्लियर। पब्लिश्ड के बारे में मतलब कि कौन सी निकालती है मिनिस्ट्री, तो ये निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और यहाँ पर ऑफिस हो जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सीएसओ। अगेन देखिए ये भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी सीएसओ निकालता है। फिर अगेन एनुअल सर्वे जो होती है वो सीएसओ ही निकाल रही होती है। और हमारी परचेजिंग मैनेजर्स, ये देखिए एक प्राइवेट एंटिटी निकालती है, ये प्राइवेट एक तरीके से इंडेक्स है जो मार्केट इकोनॉमिक्स के द्वारा निकाला जाता है। अगर देखें कवरेज क्या क्या है, तो देखिए होलसेल प्राइस का केवल और केवल गुड्स का कवरेज है क्योंकि अगेन मैन्युफैक्चरिंग है तो सीधी सी बात है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर देखिए गुड्स और सर्विसेज दोनों का ही होगा क्योंकि अगेन रिटेल लेवल पे है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगेन देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि गुड्स का ही होगा। सिमिलरली एनुअल सर्वे अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गुड्स का ही होगा। परचेजिंग मैनेजर्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर, मतलब कि गुड्स एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों का ही होगा। आगे बढ़े अगर तो आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट सीन आ जाती है कि आखिर में ये फोकस किस किस पर कर रहे होते हैं। तो देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स, हालांकि हम लोग शुरू में पहले अपनी इन्फ्लेशन को WPI से कैलकुलेट करते थे लेकिन वो गलत तरीका था और बाद में उस चीज को रिफॉर्म भी कर दिया गया और CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ले आ दिया गया था। तो पहले क्या है, अगर बात करें किस पे फोकस होता है, तो देखिए इनका फोकस होता है प्योरली मैन्युफैक्चरिंग पे और वो आप देख भी सकते हैं किस तरीके से प्राइस ऑफ गुड्स एंड ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस। तो ये बेसिकली प्योरली मैन्युफैक्चरिंग लेड होती है। अगर बात करें कंज्यूमर की, तो देखिए ये कंज्यूमर जो भी प्राइस परचेज कर रहा है उस प्राइस पे ये वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करो, देखिए 8 कोर इंडस्ट्रीज है, केवल उन्हीं पे इनका फोकस होता है और वो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है,
रट्टा मार के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टील हो गई, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गई, क्रूड ऑयल हो गई, कोल हो गया, सीमेंट हो गया, नेचुरल गैस हो गया और फर्टिलाइजर हो गया। इसके अलावा देखिए एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज के बारे में कि ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेटा होती है, इसमें डिटेल ऑफ प्रोडक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है और कॉस्ट हो रही होती है, क्या चीज है। तो दिस इज प्योरली मैन्युफैक्चरिंग और दिस इज प्योरली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली। और वही अगर PMI के बारे में बात करें, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, तो ये क्या क्या है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है जो कि इंडस्ट्रियल भी होती है और सर्विसेज की भी हो रही होती है। तो ये आउटपुट पे हो गया, न्यू ऑर्डर पे हो गया, एम्प्लॉयमेंट पे हो गया, इनपुट कॉस्ट हो गया, आउटपुट प्राइस हो गई, बैकलॉग ऑफ वर्क हो गया, एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया, क्वांटिटी ऑफ परचेज, स्टॉक ऑफ परचेज, ये सब चीजें हैं। इसके बारे में आपको उतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके बारे में WPI, CPI और IIP, इन तीनों के बारे में आपको एकदम याद होना चाहिए। बेस ईयर के बारे में बात करें तो देखिए WPI का 2011-12 है, जो कि रिवाइज हो गया है 2003-04 से। अगर बात करें CPI का तो अगेन देखिए इसकी भी रिवाइज वर्जन है 11-12। अगेन देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी 11-12 है। लेकिन जो ASI है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका जो है 2013-14 ये है बेस ईयर। और वही परचेजिंग मैनेजर का, इसका कोई इंडेक्स का कोई इंडेक्स नहीं होती, इसका कोई बेस ईयर नहीं होता है, ये बस निकाला जाता है विदाउट कंपैरिजन। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे देखिए हमारे पास शेयर्स इंडेक्स के बारे में है कि किसका क्या क्या होल्डिंग है, क्या क्या इसमें बास्केट में कितनी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर बात करेंगे तो प्राइमरी आर्टिकल का केवल और केवल 22.62% वेट होता है। वही अगर बात करें फ्यूल और पावर का तो ये भी कम होता है, 13% के नियर अबाउट में ही रहता है, और जबकि मैन्युफैक्चर्ड का सबसे ज्यादा होता है। तो अगेन देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग को ही ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया है। दूसरा CPI के बारे में बात करें तो देखिए फूड एंड बेवरेज यहाँ पर मैक्सिमम होती है, मतलब यहाँ पर फूड और फ्यूल ये दोनों ही काफी ज्यादा वेटेज रहती है, जिसके कारण से इसकी फ्लक्चुएशन बहुत हाई हो रही होती है। अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो देखिए इस 100% में 77% तो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग का ही केवल है। अगर उसके बाद बात करें तो 14.7% ये निकल के आ जाती है माइनिंग से रिलेटेड, और बचा हुआ जो 7.9% है वो आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें से भी जो 40% है वो होती है जो टॉप की इंडस्ट्रीज है, जिसका हम लोग IIP निकाल रहे होते हैं। क्लियर, तो वही चीज यहां पर लिखी गई है। अमंग द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज IIP द सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी है, इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट 28% आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी 19% आ जा रही होती है, स्टील 17%, कोल 10%, क्रूड ऑयल 8%, नेचुरल गैस 6%, सीमेंट 5%, फर्टिलाइजर 2% पे आ जा रही होती है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी निकल जा रही होती है। एनुअल सर्वे में देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल फोकस नहीं होता और यहाँ पर भी कुछ स्पेशल फोकस नहीं होता है, इन दोनों का काम ही होता है केवल उनको गुड्स एंड जो भी सर्विसेज है, हालांकि सर्विसेज विल कम ओनली अंडर PMI, इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये ओवरऑल कोई खास फोकस नहीं करते, कुछ खास इनका शेयर नहीं होता है, ये जस्ट जनरल होता है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी एक साथ एक जगह पे डिस्कशन। अगर आपको इसके डिटेल्ड वर्जन को देखना है तो सजेशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उसके डिटेल डिस्कशन को देख सकते हैं कि होलसेल प्राइस क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या कुछ होता है, आखिर में CPI क्या है, क्यों लिया गया है, CPI के कितने टाइप होते हैं, आखिर में क्यों ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से हम लोगों ने WPI से हम लोग छोड़ करके CPI पे आ गए। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जो आपको सजेशन में आ जाएगी, जो लोगों ने भी नहीं देखा है और अगर जानकारी करना चाहते हैं इसके डिटेल वर्जन में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, गो एंड वॉच दैट वीडियो। मिलते हैं आप लोग इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।